नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा RS-232 केबल से इन सभी सेट टॉप बॉक्स को कैसे रिकवर करें, कैसे डेड बॉक्स को चालू करें। तो एक है स्टार सेट 4090, एक है मीडिया स्टार 2525 और एक है स्टार सेट 4070। तो आप यहां पे ये देख रहे होंगे RS-232 का पोर्ट है, ये तीन पिन आपको दिख रही होगी। ये है मीडिया स्टार 2525 मिनी, इसमें भी ये तीन पिन निकली हुई दिख रही होगी। यहाँ पे RS-232 का आपका सॉकेट लगेगा और उसके बाद ये है स्टार सेट का, स्टार सेट 4070 HD। तो यहाँ पे भी पीछे RS-232 का पोर्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पतली साइज की RS-232 सॉकेट है वो लगेगी। हर किसी के पास दोस्तों ये बड़ा वाला प्रोग्रामर नहीं होता है और हर कोई जो IC निकाल के नहीं कर सकता, तो इतने सामान आपको चाहिए। एक तो ये पतली वाली 3 पिन सॉकेट चाहिए और RS-232 फीमेल टू फीमेल चाहिए। ये 3 पिन सॉकेट आपको पतली वाली चाहिए, एक आती है ये मोटी वाली। तो इसमें जो है मोटी वाली 3 पिन सॉकेट नहीं लगेगी क्योंकि साइज बड़ा है मोटी वाली का, इसमें ये पतले साइज वाली लगेगी। देख लो कितना इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों पतली वाली आपको काम आएगी, या आप बना लेना या कहीं से ले लेना। फीमेल टू फीमेल RS-232 केबल चाहिए आपको, वो भी बनी हुई चाहिए। दुकान से बनी बनाई खरीदोगे तो वो काम नहीं देगी। और एक अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो USB कन्वर्टर चाहिए, अगर कंप्यूटर है तो नहीं चाहिए। तो ये 3 पिन सॉकेट सबसे पहले जो है हम सेट टॉप बॉक्स में लगा देते हैं। ये पीछे पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने 3 पिन सॉकेट लगा दी है। उसके बाद ये पावर एडाप्टर और ये IR सेंसर भी मैंने लगा दिया है। पावर एडाप्टर लगाया है बट मैंने पावर ऑन का बटन नहीं दबाया है क्योंकि वो बाद में दबाना है आपको, अभी नहीं दबाना है। और दोस्तों, आपको GX6605 वाला लोडर डाउनलोड कर लेना है, GX6605S बूट वाला ये लोडर। और चिप टाइप पे अदर कर देना है, बूट फाइल में जेनेरिक एस फ्लैश बूट, बाकी आपको दिख रहा होगा सीरियल पोर्ट ऑटोमेटिक लेता है। फाइल में जाके आपका जहाँ पर भी इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वही सिलेक्ट करना है, ठीक है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्ट मत करना। तो ये हम सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है प्लीज़ पावर ऑन या रिस्टार्ट द बोर्ड, तो अब जो है हम इसके पावर बटन को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही पावर बटन ऑन किया, इसने सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस को चालू कर दिया है। तो ये आपके सामने दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट जो है चालू हो चुका है। ये कम से कम दोस्तों 5 मिनट का समय जो है लेता है, तो थोड़ी सी प्रोसेस जो है इसमें टाइम लगता है। तो वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं वीडियो को थोड़ा सा कर देता हूँ स्किप। बाकी लोडर वगैरह आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और ये स्टार सेट 4090 और ये मीडिया स्टार 2525 और ये स्टार सेट 4070 सभी सेम प्रोसेस से ही रिकवर हो गए, बस इनमें सॉफ्टवेयर जो है अलग लगेंगे। बाकी सभी में जो है सॉफ्टवेयर की केबल भी सेम रहेगी, सॉकेट भी सेम है और ये लोडर भी इनका सेम रहेगा। तो ये मीडिया स्टार 2525 में भी पीछे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था। तो दोस्तों, ये तीनों बॉक्स मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए थे, एक कर्नाटका वाले भाई साहब ने भेजा है और ये 4070 UP वाले अनमोल भाई साहब ने भेजा है। तो बॉक्स जो है मैंने पहले ही खोल लिए थे, इसलिए इनको जो है ओपन करने वाला वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने पहले ही खोल लिए थे रिपेयरिंग के लिए। अभी जो है ये 32% तक हो चुका है, तो थोड़ा सा वीडियो बीच में से स्किप कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो मैंने बीच का जो पार्ट था वो मैंने स्किप कर दिया और अभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी कंप्लीट लिखा हुआ जाए, आपको जो है सेट टॉप बॉक्स में से जो केबल है RS-232 वगैरह वो सेट टॉप बॉक्स और कंप्यूटर में से निकाल देना है। तो मैं भी कंप्यूटर में से निकाल देता हूँ इसकी केबल, सॉफ्टवेयर केबल वगैरह यहाँ से भी प्लग निकाल देता हूँ और इसको एक बार बंद करके चालू करता हूँ।
तो ये दोस्तों मैंने इसको फिर से बंद करके चालू किया और हमारा जो है आईआर सेंसर में भी बूट लिखा हुआ आ गया है और चैनल नंबर वगैरह आ चुके हैं, यानी कि हमारा डेड सेट टॉप बॉक्स सक्सेसफुली चालू हो चुका है। अगर आपका भी कोई सा सेट टॉप बॉक्स डेड हो गया हो, आपसे रिकवर नहीं हो रहा हो, तो आप ये वीडियो देख के रिकवर कर सकते हो या फिर उसको रिपेयरिंग के लिए आप मेरे एड्रेस पर भी भिजवा सकते हो। बाकी दोस्तों ठीक है, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।